कर्ज में डूबे पाकिस्तान की हालत पहले से ही काफी खराब है और ऐसे में वो ईरान से पंगा लेने चला था। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि वहाँ की सरकार के पास शासन व्यवस्था चलाने का पैसा तक नहीं। चीन सऊदी के सहारे उसे थोड़ी बहुत मदद मिल रही, मगर जोश जोश में पाकिस्तान ने ईरान पर पलटवार करके युद्ध का माहौल बना दिया था। लेकिन फिर भी सवाल ये था कि इस हालत में भी पाकिस्तान क्या युद्ध का खतरा मोल ले सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उल्टा ईरान से ही पाकिस्तान के कई हिस्सों को बिजली सप्लाई होती है। ईरान से पाकिस्तान को पेट्रोल, डीजल, LPG मिलता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की तो उसके पीछे का जवाब है उसके संबंध, वो भी रूस और चीन से। ये वो दो देश हैं जिनके इशारों पर पाकिस्तान उछलता है। साथ ही ईरान के भी संबंध इन दोनों देशों से बहुत खास है। ईरान से चीन के संबंध की बात करें तो चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है और यहाँ तक कि ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीददार भी। पिछले साल चीन की कंपनियों ने 10 साल में सबसे ज्यादा ईरानी तेल खरीदा था। दूसरे हाथ पर रूस के संबंध भी ईरान से अच्छे हैं। यूक्रेन से युद्ध में ईरान ने रूस को काफी हथियार सप्लाई किए। ईरानियन ड्रोन शहीद 136 ईरान ने ही रूस को दिया था और ऐसे में पाकिस्तान ये बात जानता था कि इन दोनों के होते हुए ईरान से युद्ध तक बात कभी नहीं जाएगी। और देखा जाए तो IMF के कर्ज पाकिस्तान पर चल रहे, यहाँ तक कि पाकिस्तान पर चीन का अरबों डॉलर का कर्जा है। चीन कभी ये नहीं होने देता कि पाकिस्तान ईरान से युद्ध लड़े। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान चीन का सबसे करीबी है। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान भी CPEC के जरिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। पाकिस्तान की कुछ जगहों पर चीन की नजर है। भारत को काउंटर करने के लिए चीन पाकिस्तान को मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान पर ईरान हमला करता तो पाकिस्तान को कम, चीन को ज्यादा नुकसान होता। पाकिस्तान भी ये बात समझता है और इसी वजह से उसका पलटवार बस दुनिया को भ्रमित करने के लिए था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और इसीलिए हमला करने के बाद भी वो सफाई देने में जुट गया। तुर्की, चीन, रूस सब देशों से बात करने में लग गया और इन देशों की बातचीत के बाद ही ईरान भी शांत हुआ। कुल मिलाकर पाकिस्तान युद्ध लड़ने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।